मैंने पिछली बार वीडियो बनाया कि ज़्यादातर लोग रसायन खाद का उपयोग करते हैं। इस वीडियो के बारे में मैंने कृषि विभाग में चर्चा की, उसी के साथ में सतत विकास संस्था को दिखाया। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है जैविक खाद। सुनीता जी पहले से आती रहती है, काम भी किया है ना सतत विकास संस्था में, अभी आती है अपने वीडियोस के बारे में चर्चा करती है। उसी चर्चा के दौरान इन्होंने अपना वीडियो हमें दिखाया था, तो हमने इसको फिर प्रचार किया गांव में लोगों को, और वहाँ कृषि विभाग के साथ मिलकर कुछ गाँव में खाद के गड्ढे बनाए। इसके लिए हमें और एजेंसी का सपोर्ट प्राप्त हुआ। हमने 6 गाँव में इस काम को शुरू किया। इस वीडियो को देखने के बाद उनको देख करके और भी आसपास के गाँव काफ़ी लोग देखने भी आ रहे हैं और वो अपने यहाँ भी इस तरह से बना। सतत विकास संस्था ने करौली क्षेत्र से 60 किलोमीटर दूर करणपुर क्षेत्र के 6 गांवों में प्रशिक्षण दिया, जिससे करणपुर क्षेत्र के 6 गांवों के लोगों ने गड्ढे तैयार किए, वह जैविक खाद का उपयोग समझा और उस खाद को तैयार किया। हमने जैविक खाद बनाना सतत विकास संस्थान करौली से है, वो उनके कार्यकर्ता आए थे और उनने जगह जगह 2-3 जगह पर प्रशिक्षण रखा था, तो उनमें ये जैविक खाद बताया था। हमारे आसपास 6 गांवों में मैंने प्रशिक्षण लिया और वहाँ बताया, जिसमें से सभी ने 50-60% लोगों ने खाद गड्ढे बना के तैयार किए। 6 लंबाई, 3 चौड़ाई, 3 गहराई बना के, फिर पहले सबसे पहले नीम की पत्तों, इसके बाद में थोड़ी दोमट मिट्टी की छान के पड़, इसके बाद में गौ ये भैंस का गोबर और मूत्र को उसको मिला के उसके ऊपर, इसके बाद फिर नीम की पत्तियाँ, टहनियाँ, ये पेड़ वेड़ों की ये पत्ती, इनकी पर ऐसे परत जमाते 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 ऊपर तक लाओ, और ऊपर तक ला के नहीं, और उसको इस तरह से धर दो, फिर 6 महीने बाद इसको खोलो और इसको खेत में डालो। जब से ये हमने ये खाद डालना चालू किया है, तब से हमारे ये मानो कि एक तो दीमक कम लग रही है, दूसरे खेत की जो चिकनाई है मिट्टी की वो बढ़ गई, अच्छी है गई, उपजाऊ हो गई मिट्टी, तो इससे हमको कई तरह के फायदे मिले। और लोग बागों के दिमाग में ये भरी कि अब हम ऐसे काम सभी किसान चालू करें। मेरी छोटी सी ही शुरुआत से ही मेरे समुदाय में बदलाव आया। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि मेरे करौली के किसान भाइयों ने रसायन खाद को छोड़कर जैविक खाद को बनाना सीखा व उसका उपयोग समझा। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहड़ के लिए।